दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अंकल बेचारे ठेले पे बिरयानी सेल कर रहे हैं, और उनके स्लोगन्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं कितने फ़नी हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। तो आइए इनसे मिल के बात करते हैं कि किस तरह से ये बिरयानी सेल करते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? जुम्मे के दिन बीफ होती है तो अंकल दिखाओ, जरा चेक तो करवा दो अंकल का। ये देखो गर्मा गर्म बिरयानी। ओए वाह, शादी दे दी अंकल अभी तो। अगर है कितने की प्लेट ये? चिकन 160 की है, बीफ 220 की है। चिकन 160 की, बीफ। यार ये आप कैसे बनवाते हैं? आप घर की बनी हुई है? जाती किचन है वो कहाँ पर है? अच्छा, इसी लाइन में आगे। अंकल ये वैसे मतलब जैसे आप यहाँ बेच रहे हैं तो क्या कटिंग क्या है दिन की, मतलब क्या हिसाब किताब बैठता है आपका? अच्छा, पता नहीं होता कि जैसे एक दिन निकल लिए दिन की या दो निकल। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन है, और टेस्ट बहुत जबरदस्त है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, फ्रेश भी नहीं है। अच्छा, रात का टाइम हो गया थोड़ा? नहीं, फिर भी फ्रेश नहीं है, पर बहुत अच्छी है। टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जबरदस्त। और चार साल से आप यहाँ पर है? बेहतरीन, जबरदस्त। 12 बिरयानी वाले, 12 बिरयानी वाले, 12 बिरयानी वाले। वाह, क्या क्वालिटी अंकल, और इतना जबरदस्त टेस्ट मिलता नहीं है हर जगह। जबरदस्त अंकल, आप अकेले मैनेज करते हैं और भी कोई है जैसे कोई छोटे बच्चे अच्छे रखे हुए? ये अकेले मैनेज करते हैं और खड़े आप यहीं पर होते हैं? एग्जैक्टली लोकेशन किस जगह पर है? जैसे कि कराची हलीम पर ना, हुसैनाबाद पे कराची हलीम के बिल्कुल सामने की तरफ है ये बिल्कुल जगह। ब्रांडिंग जो लगाई हुई है ये शुरू में कोई आता नहीं था, ठेले पे खड़ा होता, जो भी आता ढक्कन खोलता देखता चला जाता। जब मैं 3 महीने तक तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा, तो फिर 2 बजे आता था रात को, 2 बजे जब वो बिरयानी थोड़ी बहुत बच जाती थी, बदबू आती थी, लेके चला जाता था, मुँह सोना करता था। लेकिन जब मैं सुबह जो मिल गया वो तो मिला है ना, सही बात है, प्रॉफिट तो कमाया मैंने। 3 महीने बाद अल्लाह मियां से मैंने कहा, मैंने कहा अल्लाह कुछ अलग होना चाहिए। एक दिल में ख्याल आया अल्लाह की तरफ, मेरी जाती रही नहीं थी। अच्छा, मैंने सिर्फ एक डायलॉग लिखा थे, इसको कहते हैं बिरयानी, इसको कहते हैं बिरयानी, तो ये लिख के लगा दिया। तो जो देख मेरी रात को 2 बजे नहीं खत्म हो रही थी, वो आ गई 10 बजे में रात, यानी 4 घंटे रिवर्स हो गए। अच्छा, 20 आदमी हंस के जाने लगे, 21वां जो है वो खरीदने लग गया। जबरदस्त। जो जा रहे थे वो आपस में कमेंट भी करते, बोले तू बिरयानी बेच रहे तो बाकी क्या बेच रहे। अच्छा, 3-4 घंटे रिवर्स हुए। हाँ, एक डायलॉग। हाँ, फिर इसके बाद मैंने ये 3 महीने मैंने एक ही 2 दिन में रिजल्ट मुझे सामने आ गया, माशाल्लाह। एक डायलॉग लिखने से 4 घंटे रिवर्स। हाँ, मैंने पहले मैंने कहा यार इसको कुछ और भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए, इसलिए आपने ये भी कुछ लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? तेरे तेरे लिए मैं इस जहाँ से लड़ जाऊंगा तो बहुत तेजी तुझे दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी खिला लाऊंगा। ये मुख्तलिफ डायलॉग मेरे चेंज होते रहे। डायलॉग भी बहुत सारे मोबाइल में जो पुराने हैं चेंज होते रहे। अच्छा, शुरू में तो 10 डायलॉग लेके मैं इंटर हुआ ना, तो जो देख मेरी रात 10 बजे खत्म हो रही थी वो लतीफे लगने के बाद, पहले मैं यूट्यूबर को बुलाता था तो कोई आता भी नहीं था। अच्छा, क्या लगा तू तेरे में बड़ा बैठा था? सही। फिर यूट्यूबर खुद आने लगे। अच्छा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी,
जबरदस्त यार, ये तो सस्ते वाली वीडियो हिट हो जाएगी हमारी वीडियो, और वाकई हिट हुई होंगी वीडियो, काफी लोगों ने बनाई, कराची वाले ने बनाई है, काफी लोगों ने बनाई है, वाली लोग सबकी वीडियो भी हिट हुई। नई चीज बिल्कुल हाँ, यूनिक चीज है ना, यूनिक आइडिया। इसके अलावा ये तो वीडियो वाले आए ना, जो रस्ते में खवातीन जा रही है वो अपना मोबाइल निकाल के फोन रखे हुए बैठे बैठे, कार में जा रही है, कार आगे निकल रही है, वो पीछे मुड़ गई। अच्छा वो मजे की बात, अच्छा खवातीन की बात बता रहा हूँ, सामने रोड से खवातीन को ज्यादा अट्रैक्ट चीजें देखते हैं, वो सामने से जा रही होगी, पत्ते 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 वो वहाँ जा रही है, रक्षे से टकरा रही है, कभी पड़ रही है। अच्छा ये भी अच्छा, कोई यूनिक चीज होती है तो ही इंसान जो ना अट्रैक्ट करता है। अच्छा जबरदस्त, मतलब ये आप जैसे जैसे ये जो ना इसकी ब्रांडिंग चेंज करते रहे, जैसे जैसे अमेरिका में इज्जत देने वाली रात ऊपर की है, मजे की बात। सऊदीया से सऊदीया में बंदे ने वीडियो देखी, घूमते घूमते जब वो यहाँ आया होगा कराची, आज वो बिरयानी खाते जो वीडियो देखी, वीडियो देख के वो आया वहाँ पर। अच्छा जुम्मे के दिन तक काम करके उसको बिरयानी मिली, तो बिरयानी खाने के बाद सबसे पहले मुझे ऑफर की, मेरे साथ चलोगे सऊदीया? नहीं गए मैं रियाद में। अच्छा वहाँ मेरी होटल है, मुझे बिरयानी के लिए आदमी, हाँ चलेगा ना, भी आ सकते हैं, फरिश्ते भी आ सकते हैं, कस्टमर को कभी कस्टमर समझना भी नहीं चाहिए। सही बात है, ये सारे फरिश्ते की सूरत, बिल्कुल हमें नहीं पता होता है कस्टमर कस्टमर मौत, कस्टमर मौत का उसी बात होता, कभी भी आ जाते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कैसा दिया, सही दिया कि नहीं दिया? तो भाई अगर आपको यहाँ पर विजिट करना हो तो यहाँ पर आकर जरूर यहाँ की बिरयानी खाएं, हमें बहुत अच्छी लगी बिरयानी। अंकल का कोई पर्सनल नंबर तो है, वो हम आगे उसमें डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।